हेलो ब्रदर्स, देखो आज हम फिर से बात करने वाले हैं 18 प्लस मूवीज के बारे में, जो ऑब्वियसली इसके पहले पार्ट के अच्छे रिस्पांस के बाद में बना रहा हूँ। और अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज हम जिन मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं उनमें से आपको कुछ लीगली देखने को मिल जाएगी और कुछ के लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपनी पहली मूवी पर। कहानी है एक रिटायर्ड टीचर की जिसकी आधी लाइफ बीत चुकी है और सम रीजन वो कई सालों से अकेली ही होती है, लेकिन कई चीजें ऐसी भी होती है जिसका उसने कई सालों से एक्सपीरियंस नहीं किया। अब वो एक मेल स्कॉट को हायर करती है जो शायद उसकी मदद कर सकता है, लेकिन क्या चीजें उनके हिसाब से चलती है या नहीं, ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी 2022 में आई थी जो कि कुछ 1.5 घंटे की है, जिसमें आपको ज्यादा ड्रामा ही देखने को मिलेगा और मूवी आपको स्टोरी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा अच्छी लगने वाली है। मूवी आपको अच्छी कॉमेडी के साथ दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स दिखाई जाती है जो कुछ रीजन से आपको इंटरेस्टिंग लगने लगती है। ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। एक बंदा है जो शेयर मार्केट में घुसता है, अब उसे अचानक से सफलता मिल जाती है और वो दुनिया का सबसे अमीर बंदा बन जाता है। वो जो चाहे कर सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना, जो भी चीज लिमिट से ज्यादा कर लो तो वो बर्बादी का कारण बन जाती है। वैसे ही हमारी ये मूवी है। मूवी का नाम है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, स्टारिंग लियोनार्डो डी कैप्रियो, जिसमें हमें एक स्टॉक ब्रोकर की कहानी देखने को मिलती है। मूवी आई थी 2013 में जो 3 घंटे की है, जिसमें आपको हॉलीवुड के एलिस्ट एक्टर्स के बीच एकदम खुला इंटीमेट सीन्स देखने को मिलेंगे। ऊपर से इस मूवी की जो हिंदी डबिंग हुई है वो इस मूवी को एक लेवल और ऊपर लेकर जाती है। ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। हमारी तीसरी मूवी का नाम है लोकस्ट, जो कि 2014 में आई थी, जिसमें हमें दिखाया जाता है एक शहर की लड़की एक गांव के लड़के से प्यार करने लगती है और आगे जाके उस लड़की के परिवार वाले इस बात को मना कर देते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक अमीर इंसान उस लड़की से शादी करने को पूछता है और उसके साथ उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन वो लड़की इस बात से कहीं राजी नहीं होती। अब इसके आगे की कहानी आपको मूवी देखकर ही पता चलेगी। मूवी तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट की है, जिसमें आपको एक डार्क थ्रिलिंग कहानी देखने को मिलेगी। मूवी आपको अच्छा खासा एंटरटेन करेगी, बस थोड़ा पैसे रखना। इस मूवी को देखने के लिए आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हालांकि ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। क्या होगा अगर एक पति अपनी पत्नी को डिवोर्स के डर से जो चाहे वो करने की छूट दे दे। मूवी का नाम है डीप वॉटर, जो कि 2022 में आई थी, जिसमें हमें बेन एफ्लेक्स और एना डी आर्मस जैसे बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलते हैं। अब वो पत्नी अपनी इस खुली छूट को अपने ही पति के सामने जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करती है और इसी चक्कर में कई सारे क्राइम्स भी हो जाते हैं। अब आखिर इसके पीछे कौन है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में इस बात को एक सस्पेंस की तरह रखा गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगे तो पूरी मूवी में आगे क्या होने वाला है ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। और ऊपर से आपको मूवी में एना डी आर्मस देखने को मिलने वाली है, तो और क्या चाहिए। बाकी इस मूवी को देखने के लिए आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा और शायद ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। 4 फ्रेंड्स होती है जो कि छुट्टी मनाने के लिए एक रिमोट हाउस पर पहुंचती है, जो कि देखने में काफी शांत और सुंदर सी जगह होती है, लेकिन एक दिन अचानक से 2 इंसान वहां पर आ जाते हैं और उन सब पर अटैक कर देते हैं और उनको पकड़ने के बाद वो दोनों उन पर जोर जबरदस्ती करते हैं। क्या वो चारों उनके चंगुल से बच पाती है नहीं, ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी का नाम है ट्रोमा, जो कि 2017 में आई थी, जिसमें आपको ग्राफिक सीन्स के साथ एक दिल दहला देने वाली कहानी देखने को मिलती है। और मेरी मानो तो अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हो तो जितना हो सके अपने आप को प्रिपेयर कर लेना इस मूवी की कहानी के लिए। मूवी में आपको वो वाले सीन्स तो बहुत देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस मूवी का ट्विस्ट आपको हिला सकता है। यह मूवी हिंदी डब में तो है, लेकिन कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।